हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल डूइंग आई नो जैसे ही फर्स्ट जुलाई को नया सिलेबस अनाउंस हुआ है आपके मन में बहुत सारे सवाल है और आपको न्यू स्कीम के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे तो मैंने और अंकिता मैम ने न्यू सिलेबस के बारे में आपके लिए यूट्यूब पर लेक्चर लिया ही था फटाफट से आई वॉन्ट टू नाउ टेल यू अबाउट द न्यू सिलेबस फॉर टैक्सेशन विच इज योर पेपर थ्री In group one. So, students, what is it? Now let us know ki intermediate me ka changes hai? from eight papers to six papers, from three years of articleship to two years of practical training. And now you have 30% MCQ for all the six papers. In the old scheme, I could start articleship after clearing any one group, but now I can start articleship only after clearing both my groups. So students, इफ यू वॉन्ट टू नो कि टैक्सेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं सो हे वी गो टैक्सेशन जो होने वाला है इट इज गोइंग टू बी योर पेपर थ्री इट इज गोइंग टू बी योर पेपर थ्री इन ग्रुप वन इट इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ जैसा हमारा था वैसे ही सेक्शन ए एंड सेक्शन बी फॉर ए फॉर इनकम टैक्स एंड बी फॉर जी बट द ओनली डिफरेंस नाउ इज ये जो वेटेज का चेंज हुआ है तो अर्लियर इट वॉज सिक्सटी फोर्टी एंड नाउ इट इज नॉट गोन टू बी सिक्सटी फोर्टी द वेटेज इज गन टू बी फिफ्टी फिफ्टी सो आई है इनकम टैक्स एंड फिफ्टी परसेंट वेटेज फॉर जी एस टी सो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी यस तो मैम थोड़ा सा सिलेबस में भी क्या क्या चेंजेस है थोड़ा डिटेल में बता दीजिए बिल्कुल तो मैंने आईसीआई का सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है आईसीआई की वेबसाइट से एंड हियर आई विल शो यू द सिलेबस फॉर पेपर थ्री टैक्सेशन अब देखते हैं सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। देखो ये जो आपका पेपर है टैक्सेशन हंड्रेड मार्क्स दिस इज दैट आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम आईसीआई वेबसाइट तो यहां पे देखते हैं सेक्शन ए जो है ओवरऑल बेटा इन सेक्शन ए ऑफ इनकम टैक्स देर इज नॉट मच चेंज तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इनकम टैक्स में बट देर आर थ्री न्यू टॉपिक्स एडिड इन जी तो जो हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टैक्सेशन तो आपको इंटर लेवल में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत ज़रूरी है टैक्सेशन की जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इन आर्टिकलशिप यू नीड टैक्सेशन एंड फ कोर्स सी ए के लिए तो द कोर सब्जेक्ट इज टैक्सेशन यू नो यू हैव टू फॉलो इन लव दिस सब्जेक्ट यू टू स्टार्ट एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट ओनली देन यू कैन डू समिंग नाइस एंड स्टार्ट अर्निंग एंड मेक करियर इन टैक्सेशन सो यर तो यहां है इनकम टैक्स ओके द बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ये ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में भी था सेम है यू हैव फाइव हेड्स ऑफ इनकम सी इनकम टैक्स टैक्स ऑन इनकम तो कौन से कौन से इनकम होते हैं उसके बारे में डिस्कस uh, करता so uh, है सो देर इज सैलरीज देर इज हाउस प्रॉपर्टी प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आईओएस क्लबिंग एडवांस टैक्स है

ओके अब इसमें क्या है जीएसटी भी आपके लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है तो देर इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन देन देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एक चार्ज ऑफ जीएसटी एस टी कॉम्पोजिशन तो ये सब तो मैम ओल्ड सिलेबस में थे ही एब्सल्यूटली यहां थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एक ऐड हुआ है थोड़ा सा प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड सिलेबस प्लेस ऑफ सप्लाई वॉज नॉट देर सो जो प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है दिस हेज नाउ बीन इंट्रोड्यूस इन द न्यू स्कीम

इन साइट अबाउट दिस सो इफ यू आर अपेरिंग फॉर नवंबर ट्वेंटी थ्री एग्जाम्स आपके लिए जो इनकम टैक्स होने वाला है आप लेके चलिए इनकम टैक्स है या आपका जीएसटी जो है सी वॉट एवर इनकम टैक्स एंड जीएसटी दिस इज गोन टू बी एज पर दकीम ये तो ये ओल्ड स्कीम के हिसाब से होगा नो no चेंज तो आपके लिए एर बी होगा इनकम टैक्स ए सेक्शन होगा विच विल है वेटेज ऑफ सिक्सटी And you will have GST, which will have a weightage of 40. So this is how it is going to be. Income tax is going to have a weightage of 60. But now, or I'll just write it down here so it's clear. November 2023 ke liye, aapka income tax jo hone wala hai. Your income tax is your section A, which is going to be for 60 marks. And your GST is your section B, which is going to be for 40 marks. Sub important baad jo hai, you are going to write this. sub important baad jo hai, you are writing this as per the Finance Act 22. And the May 24, you are going to give as per the new scheme. As per the new scheme, what is going to happen? The income tax syllabus is the same. सेक्शन ए जो होगा वो आपका इनकम टैक्स का होगा uh, बेटा उसका सिलेबस इज द सेम सो इनकम टैक्स इज बी सेक्शन ए यू हैव जीएसटी व्हिच टी विच इज गु वी सेक्शन बी दिस इज 50 मार्क्स एंड दिस इज नॉट गोन बी 50 मार्क्स नाउ व्हाट आई ने ये चेंज नहीं किया है फाइनेंस एक्ट तो हर साल चेंज होता ही है सो so, ऑब्वियसली जो मे 24 का एग्जाम आपको देना है इट इज गोन टू बी एज पर फाइनेंस एक्ट 2023 दैट मींस द असेसमेंट ईयर इज गोन टू चेंज न्यू yes. सिलेबस so, uh, में इतने चेंजेस नहीं है ऑफकोर्स जीएसटी में देर आर थ्री न्यू टॉपिक्स दैट हैव बीन एडेड इन ओल्ड स्कीम ऑल्सो जब आप नवंबर 23 में भी एग्जाम देते हो आपको पता है 30 मार्क्स uh, 30 परसेंट इज फॉर एम सी क्यू इनकम टैक्स में भी 30 परसेंट एम सी क्यूज आते हैं जी एस टी में भी थर्टी परसेंट एम सी क्यूज आते हैं वैसा ही सेम न्यू स्कीम में होने वाला है वेर यू गोन हैव थर्टी परसेंट शायद एमसीक्यूज के लिए मार्किंग आने वाला है और ऐसा सब uh, बोला जा रहा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब आपके लिए टैक्स का अप्रोच क्या होना चाहिए नाउ इट्स गोइंग टू बी अ न्यू सब्जेक्ट विच इज इंट्रोड्यूस एट इंटर लेवल और ये बहुत ही कोर सब्जेक्ट होता है जिसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आपका हो जाना चाहिए तो यहाँ प्रैक्टिकल आपको समझना है कि इनकम टैक्स इन रियल लाइफ कैसे और प्रैक्टिकली इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं सो व्हेन आई विल बी टीचिंग यू आई विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, आई विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड लॉट ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। सो जिसके जिसकी वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाता है और बेटा एक बात बताऊं अगर आपको टैक्सेशन के बारे में जल्दी समझना है या प्रोविजन याद रखनी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वाई वाई इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट डू यू नो आधे से ज्यादा जो टैक्स की प्रोविजन न, है ना exactly ये गवर्नमेंट का रिएक्शन है एग्जैक्टली ये गवर्नमेंट का रिएक्शन है पता है क्यों लोग जुगाड़ करते हैं टैक्स प्लानिंग करते हैं टैक्स की चोरी करते हैं एंड गवर्नमेंट इज लाइक अच्छा ऐसा कर रहे हो तो रुको ये नया प्रोविजन लेके आएंगे सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो व्हाई अ पर्टिकुलर प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस सो लर्न अबाउट दैट और एक चीज आपको बता दू इनफैक्ट जब इंस्टीट्यूट ने आपका न्यू सिलेबस और ये स्कीम भी अनाउंस किया है उन्होंने दिया है कि आपका जो लेवल होने वाला है आपका जो आपको जो असेस किया जाएगा इंटरमीजिएट यो असमेंट विल बी एज पर लेवल वन एंड लेवल टू लेवल टू मानेट्यूट सेट देरी इंपॉर्टेंट में क्या होता है एक ही अगर कोई सिचुएशन है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन और बहुत सारे सेक्शन होते हैं तो आपको सबको समझते हुए फिर उसका इंप्लीकेशन समझना है तो इसके लिए इंटर रिलेशनल प्रोविजंस जो होती है एक प्रोविजन को दूसरी प्रोविजन से लिंक करना एक एक्सेप्शन को दूसरे एक्सेप्शन से लिंक करना एक ही सिचुएशन को इनकम टैक्स और जीएसटी के व्यू पॉइंट से सोच पाना और इसका सब वी आर गोइंग टू टैकल इट इन द क्लासेज एंड इन द लेक्चर्स ठीक है तो वेरी सुन टू स्टार्ट विथ आर न्यू लेक्चर्स न्यू बैचेस जो हम लेने वाले हैं तो वेरी फ्यू चेंजेस एज पर द न्यू स्कीम इन द टैक्सेशन सिलेबस बिकॉज इनकम टैक्स सिलेबस इज द सेम इन जी एस टी थ्री न्यू टॉपिक्स हैडेड हमेशा से सेक्शन ए सेक्शन बी था ही एमसीक्यू हमेशा से टैक्सेशन के पेपर में थे ही अभी सिर्फ मार्किंग का वेटेज चेंज हो गया है एंड मेजर चेंज दैट इज कमिंग अप इज द फाइनेंस एक्ट सो यू नो एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर कम्स अप विद अ बजट एंड यू हैव अ न्यू एक्ट ऑफ इनकम टैक्स तो हर साल जो चेंजेस होते हैं हमें इंकारपोरेट करने पड़ते हैं तो मे 24 एग्जाम के लिए जो एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी फाइनेंस एक्ट 23

गो एंड गिव यू नवेंबर ट्वेंटी थ्री ट्राई गिविंग बोध ग्रुप अगर आपने सोचा है कि एक ही ग्रुप देना है तो गो अहेड एज पर योर प्लान बट आई वुड फील क्लियरिंग इनकम टैक्स इन दिसर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बींगी अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स अच्छा मैम हमने दे भी दिया नवेंबर ट्वेंटी थ्री और क्लियर नहीं हुआ और अमेंडमेंट हुए तो डरने की बात नहीं है आपको पता है जब भी अमेंडमेंट आते हैं वी ऑलवेज पुट अप दमेंडमेंट लेक्चर ऑन यूट्यूब सो डोंट वरी बाय चांस अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं भी हुए तो हम आपको अमेंडमेंट्स के लिए कवर अप कर देंगे ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस न्यू चेंज एंड द न्यू स्कीम सी यू सून बाय बाय